Mrs. Javed, invest in savings scheme or as 800 at 6% per annum and 1200 at 7% per annum. What is her total amount of profit or these two investments on these two investments? सबसे पहले मैं इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं. एक बार उसने इन्वेस्ट किया 800 रुपया. 800 रुपया क्या हो गए, 800 रुपीज़ क्या हो गए, प्रिंसिपल. तो कंडीशन वन में क्या है हमारे पास, दो बार उसने इन्वेस्टमेंट की, तो कंडीशन बना लेंगे. कंडीशन वन में क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट की वो कितनी थी, इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला इन्वेस्ट होता है प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास बन जाएगी RS 800. उसमें से प्रॉफिट का शरा दी गई है हमें 6%. तो रेट प्रॉफिट परसेंट रेट को क्या कहते हैं, रेट फॉर्मूला में. तो रेट क्या है फर्स्ट कंडीशन में, वो है 6%. ठीक, 6% के बाद उसने मुझे 30 दिया वो पर अनम मतलब पर ईयर. तो टाइम कितना दिया गया, टाइम हो गया हमारे पास टाइम पीरियड YEAR, टाइम हो गया 1 year का. कंडीशन वन में फाइंड क्या करना है, हमने दोनों बार प्रॉफिट फाइंड करने के, दोनों के प्रॉफिट लेते लेते फाइंड करके उनको एड अप कर देंगे. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला नंबर वन था हमारे पास जो के था सिंपल, जो हम सब लिखते थे रेट को परसेंटेज के साथ लिख लेते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल, और फिर मल्टीप्लाई कर देते थे टाइम से. तो रेट को हम इस तरह लिख सकते हैं 6%, 6 पर 100, या अगर परसेंटेज का सैंपल ना लिखूं इस तरह फॉर्मूले में, रेट परसेंटेज का सैंपल मूव करके नीचे आ जाता 100. तो ये सारा क्या बन जाता है, रेट इंटू रेट की रेट क्या हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 800 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/100 0 0 से. तो ये बन जाता है हमारे पास 8 6 48. तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया फर्स्ट कंडीशन में RS 48. ये क्या थी हमारे पास, कंडीशन वन थी जिसमें प्रॉफिट आ गया हमारे पास RS 48. अब हम इसी के आगे सवाल कंटिन्यू है, कंडीशन टू फाइंड करेंगे. कंडीशन नंबर टू, फर्स्ट का कितना प्रॉफिट आ गया 48. सवाल आगे कंटिन्यू है, कंडीशन टू, फर्स्ट का प्रॉफिट आया हमारे पास 48 जो आन पे. फिर कहता है उसने दूसरी बार कितना इन्वेस्ट किया, RS 1200 एंड 1200 एट 7% पर एनम. तो दूसरी इन्वेस्टमेंट को भी क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल. इन्वेस्ट जब भी होगी तो फिर चीज क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई इसके पास, या प्रिंसिपल सिंपल कितना आ गया 1200 RS 1200. इस पर उसने प्रॉफिट परसेंट, जैसे हम रेट लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज को, रेट क्या आ गया उसका, रेट उसे मिला 7%, 7% का, या 7 पर 100 जिस तरह भी लिखते हैं. अच्छा, पर अनम मतलब 1 year. तो टाइम कितना आ गया, टाइम क्या आ गया हमारे पास 1 year या 1. ठीक है, टाइम हमेशा ईयर्स में लेंगे इधर. अब प्रॉफिट के फार्मूले में हमने पुट करना सिंपल, जिस तरह पहले किया था. प्रॉफिट का फार्मूला अगर सिर्फ रेट इस तरह लिखेंगे, 7 रेट के साथ रेट परसेंटेज नहीं लिखनी, रेट इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम, और रेट के परसेंटेज की सैंपल की वजह से जब मूव किया उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100. ये कितना फार्मूला बन गया प्रिंसिपल का, रेट परसेंट, हम ये रेट 7 मल्टीप्लाई बाय 1200 है, ये नहीं है 0 1200, 7 × 1200 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 1/100 0 0 0 से कैंसिल. तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 × 7 14 × 7 = 84. क्या आ जाएगा RS 84.
ये क्या बात है कि सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट प्रॉफिट था हमारे पास 48 और सेकंड प्रॉफिट आ गया 84, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो हमने फाइंड करना था, टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट अमाउंट, और दोनों को ऐड कर देंगे, 48 प्लस 84, ये हमारे पास बन जाएगी 12 एंड 8 9 10 11 13 132। हमारे पास कितना मुनाफा हुआ? हमारे पास आ गया 132 RS, 132 रुपीज टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? RS 132। इसे अगर एक बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? प्रॉफिट RS 132, साथ लिखें टोटल, इसे बॉक्स में इनक्लोज कर देते, क्या आ गया हमारा जवाब? आ गया कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड देन आंसर।